जहां थोड़ी देर में राजीव भवन पहुंचेंगे नंद कुमार साय, कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। नंद कुमार साय कांग्रेस नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार वहां पर देखा जा रहा है। बड़ी खबर लगातार टीवी स्क्रीन पर इस समय रायपुर से बता रहे हैं, जहां बड़े आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कल बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। हालांकि बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा था कि नंद कुमार साय अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि अब से कुछ देर बाद नंद कुमार साय राजभवन पहुंचेंगे और कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए साफ तौर पर नंद कुमार साय अब से कुछ देर बाद नजर आने वाले हैं। मेरे सहयोगी रायपुर से वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। वैभव जी, कल नंद कुमार साय ने इस्तीफा दिया था, अटकलें तेज हो रही थी कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये अटकलें कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आ रही हैं अब। जी बिल्कुल, अब इस पर एक तरीके से विराम लग गया है, क्योंकि तमाम कांग्रेस के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है। खुद अभी पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम न्यूज़ 24 से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हम नंद कुमार साय का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका बहुत स्वागत है कांग्रेस पार्टी में और सदस्यता जो फॉर्म है वो तैयार है। तो अब इंतज़ार है तो वो सिर्फ नंद कुमार साय का। नंद कुमार साय यहाँ पर पहुँचेंगे और उन्हें कांग्रेस में जो है एक औपचारिक तौर पर जो है उनको कांग्रेस प्रवेश दिलाया जाएगा, उनको जो है सदस्यता फॉर्म है उस पर उनका हस्ताक्षर लिया जाएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता इस वक्त आपको तस्वीर पर नज़र आ रहे हैं। अंदर जो है पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम है और सब इंतज़ार कर रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये अंदर की तस्वीर आप देखिए, राजीव भवन की हॉल की तस्वीर है। यहीं पर ही सदस्यता कांग्रेस पार्टी की दिलाई जाएगी नंद कुमार साय की, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सारे इंतज़ार कर रहे हैं, तमाम नेता इस वक्त कांग्रेस के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यहाँ पे वरिष्ठ भाजपा के नेता जो थे नंद कुमार साय वो पहुँचे और उनका ये सदस्यता का काम जो है वो शुरू हो सके। और आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टिकाम जो कि मंत्री हैं स्कूल शिक्षा विभाग, वो नज़र आ रहे हैं। वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा भी इस हॉल में पहुंच चुके हैं, जहां पे नंद कुमार साय को जो है कांग्रेस की सदस्यता दी जाएगी और तमाम कांग्रेस के छोटे बड़े नेता सबकी मौजूदगी हैं, क्योंकि सबको निर्देशित किया गया था पार्टी की तरफ से कि वो जैसे ही नंद कुमार साय यहां पे पहुंचे उससे पहले तमाम कांग्रेस के नेता यहां पे मौजूद रहें। और ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, काफ़ी हलचल है कांग्रेस भवन के अंदर, काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है आप देख रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो पहुँच रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय है दिल्ली में, कोई प्रतिक्रिया इसे लेकर, कोई हलचल वहाँ के पार्टी नेताओं के क्या रिएक्शन? देखिए, नंद कुमार साय जी अपने आप में एक बड़ा नाम है और जो संघर्ष उनका रहा, उनका उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर आप देख लेंगे तो 100% छत्तीसगढ़ को नहीं पूरे देश को इससे कांग्रेस पार्टी का को फायदा मिलेगा। और पूरे देश में आज हलचल है कि एक मुखर नेता, एक संघर्ष करने वाला नेता आखिर इतनी बार एक झटके में इस्तीफा नहीं दिया। आखिरी बार उनको कितने बार कड़वा घूट पीना पड़ा होगा, कितने बार उनको अपमान सहन करना पड़ा होगा, तब जाकर उन्होंने आज ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में बनी हुई है। यही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी, अन्य प्रांतों में भी है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा उसके बारे में। तो विकास उपाध्याय कह रहे हैं कि बीजेपी में जो उपेक्षा होती रही नंद कुमार साय की, उसी का परिणाम है कि उन्होंने वहाँ की विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस की विचारधारा में अपना जो है भरोसा जताया है और इसलिए वो कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। देखिए, मैं इसे इसकी एक पृष्ठभूमि को आपको समझाना चाहता हूँ। नंद कुमार साय आते हैं सरगुजा संभाग से, सरगुजा संभाग के जसपुर जिले से वो आते हैं। रायगढ़ का उन्होंने 3 बार प्रतिनिधित्व किया है रायगढ़ लोकसभा का, इसके अलावा वो 3 बार के जो है विधायक रहे हैं। तो पार्टी में अलग अलग समय पर अलग अलग जिम्मेदारी बीजेपी के भीतर नंद कुमार साय को मिलती रही है। जब 2000 में जो है जोगी की सरकार यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बनी थी, तब पहले नेता प्रतिपक्ष जो है वो नंद कुमार साय थे। 2003 चुनाव के ठीक पहले एक बड़ा आंदोलन बीजेपी का हुआ था, उसमें नंद कुमार साय चोटिल हुए थे, घायल हुए थे, उनका पैर टूट गया था। तो
उस एडवांटेज के बाद भी, उस परिस्थिति के बाद भी, जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, बीच मेरी सहयोगी रायपुर से नेहा केशरवानी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, देखिए कल जब नंद कुमार साय ने ट्विटर पर ये इस्तीफा अपना दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं वीडियो भी जो थी वो डिलीट कर दी गई थी, जिससे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि वो शायद दोबारा से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। वो आज कांग्रेस सदस्यता ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जो वीडियो जारी किया गया था, फिलहाल उन्होंने अपनी बात रखी थी, लेकिन जिस तरीके से अभी यहाँ पर तैयारी है, चूंकि मैं राजीव भवन में हूँ और यहाँ पर का भी नज़ारा भी आपको दिखाते चलते हैं कि तमाम कांग्रेस में जो प्रवेश करने की बातें हैं वो कांग्रेस बड़े रूप में सेलिब्रेट कर रही है, चूंकि वो आदिवासी के दिग्गज नेता रहे हैं, बड़ी संख्या में जो है आदिवासियों का नेतृत्व करते रहे हैं, तो कांग्रेस इसे बहुत बड़े रूप में सेलिब्रेट कर रही है। तमाम मंत्री विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, और पहले से ही कि मैं राजीव भवन के ठीक बाहर हूं और बाहर की तस्वीरें देखे, यहां पर वीआईपी मूवमेंट्स इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सुरक्षा के जो तमाम इंतजाम है वो यहां पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी जो है वो तैनाती है, और हर किसी को जब इंतजार है तो अब जो है नंद कुमार साय जी जो यहां पर पहुंचेंगे, और उसी के साथ साथ जो है यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो भी है वो भी यहां पर पहुंचेंगे, तो तमाम कांग्रेस के जो नेता है वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, नंद कुमार साय से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। एमपी छत्तीसगढ़ लगातार नंद कुमार साय से जुड़ी बड़ी खबर बता रहा है, जहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए यहां पर लगातार बयानों का दौर देखा जा रहा है, और कहा कि नंद कुमार साय का हम स्वागत करते हैं, ये पीसीसी चीफ की ओर से कहा गया है, सदस्यता फॉर्म तैयार है। मरकाम ने यहाँ पर बड़ा बयान दिया है। देखिए यहाँ पर अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि नंद कुमार साय जो है वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब तस्वीर कहीं ना कहीं साफ हो गई है कि नंद कुमार साय सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता अब से कुछ देर बाद लेने वाले हैं। मेरी सहयोगी नेहा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दे दिया है कि नंद कुमार का स्वागत है और सदस्यता फॉर्म तैयार है। त्याग पत्र दिया है और कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, उनका स्वागत है, और इससे साबित होता है इतना बड़ा वरिष्ठ नेता, जब उनको इतनी पीड़ा हुई तो पार्टी ने लगातार उनके साथ अन्याय अत्याचार किया, और यही स्थिति लगभग सब पूरे आदिवासी वर्ग के नेताओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी इस तरह से दुर्व्यवहार कर रही है, उनको कोई महत्व नहीं दे रही है, बिल्कुल आदिवासी विरोधी हो गई है पार्टी। भाजपा ने तो समय पर फैसला नहीं लिया, नहीं मना पाई, अब नंद कुमार साय कांग्रेस में आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में भी कई वरिष्ठ नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं, तो क्या पार्टी के अंदर भी थोड़ी इन बातों पर चर्चा? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, पार्टी में हमारे कांग्रेस में सभी वरिष्ठ नेता लोग सब संतुष्ट हैं। पार्टी को कितना फायदा मिलेगा? निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा, बहुत लंबे राजनीतिक जीवन है उनका, बड़े ऊंचे कद के नेता हैं, और उनके आने से कांग्रेस को भी निश्चित लाभ होगा। तो यहाँ पर लगातार जो है विधायक मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी, और हर किसी की अब जो निगाहें हैं वो नंद कुमार साय के ऊपर टिकी हुई हैं, और किसी भी वक्त जो है वो उनकी मौजूदगी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही थी कि उनकी मौजूदगी यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन फाइनली ये हर जो खबर है वो आ चुकी है कि वो राजधानी रायपुर में ही है और वो थोड़े समय बाद यहाँ पर पहुँच रहे हैं। से छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेताओं का मोह भंग हो गया है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बाद आदिवासी नेताओं की उपेक्षा की, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है, उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन विचारधारा जो अब तक अलग रहा है उसको कैसे स्वीकार कर पाएंगे, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे आप लोग? देखिए, विचारधारे अगर किसी दल में जाते हैं तो उस दल की विचारधारा से घुल मिल जाते हैं और उसको स्वीकार करते हैं, स्वाभाविक है। अगर कांग्रेस पार्टी में आएंगे तो जरूर कांग्रेस पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होंगे। ये प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी, किस तरीके से उनको सदस्यता दिलाएंगे, वहाँ पे आपके राष्ट्रीय नेतृत्व के पास भी बातचीत हुई होगी? नहीं, देखिए पूरी प्रक्रिया पीसीसी ने कर लिया है, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ हम लोग डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं मोहन मरकाम जी के पास, ये कह रहे हैं, और मैं बातचीत कर रहा था, वो कह रहे हैं बहुत खुश नजर आ रहे हैं मोहन मरकाम, और वो तस्वीर भी दिख रहे थे, और ये देखिए कांग्रेस भवन में मोहन मरकाम के कक्ष की तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है, और मोहन मरकाम है, मंत्री मोहम्मद अकबर हैं,
वो सब आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और इंतज़ार है बस तो नंद कुमार साय के जो है कांग्रेस भवन पहुंचने का। और जैसे ही नंद कुमार साय कांग्रेस भवन पहुंचेंगे उनको सदस्यता दिलाई जाएगी। मोहन मरकाम ने कह दिया है कि डॉक्यूमेंट्स रेडी है, कागजी जो कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है। मेरी सहयोगी नेहा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नेहा देखिए, जो नंद कुमार साय हैं वो आदिवासी नेता यानी बड़ा चेहरा बीजेपी छत्तीसगढ़ का कहलाए जाते थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कांग्रेस जो है अब आदिवासी को लेकर बीजेपी में लगातार हमलावर दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि जो बीजेपी है वो आदिवासी विरोधी है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो बयानबाजी का दौर है वो लगातार जारी है, और जिस तरीके से नंद कुमार साय ने भी खुलकर अपनी बात कही है, खुलकर अपने मन की बात वो पहले भी कई समाचार चैनलों में इंटरव्यू के दौरान कहते नजर आए हैं कि जिस तरीके से पार्टी ने उनके साथ जो है नज़रअंदाज किया है, और इस बात को लेकर के लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे। फिलहाल अभी इस तरीके की जानकारी भी सामने आई है कि वो बहुत पहले से उन्होंने मन बना लिया था कि वो बीजेपी का दामन छोड़ने वाले हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस में आने की चर्चा थी ये भी बीते कई समय से इसकी चर्चाएं चल रही थी, और वो सीधे जो है बड़े नेताओं के संपर्क में थे, और उसके बाद जो है उन्होंने सीधे तौर पे कल शाम को ऐलान किया सोशल मीडिया के माध्यम से, इस्तीफा पत्र में जो है अपना जिक्र करके, और इस तरीके से उन्होंने इसका सीधा ऐलान किया, और उसके बाद से ही यहाँ पर जो है लगातार मानो मनोबल की जो स्थिति है वो भी बनी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से ठीक 10 मिनट बाद उनका ट्वीट डिलीट होता है, और उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी एक बड़ी जो बैठक है वो वहाँ पर हुई थी, बीजेपी के आला नेताओं को भी इसकी पूरी जानकारी दी गई, और उसके बाद बीजेपी से ये बयान सामने आता है कि उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी, निराशा जो भी है वो दूर किया जाएगा, यानी कि बीजेपी भी अपना प्रयास कर रही है। लेकिन ये जो अभी तक जो जानकारी थी कि कल वे राजधानी रायपुर में नहीं थे, जानकारी थी कि वे दिल्ली में हैं, और अब जिस तरीके से वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो हालांकि उनकी मौजूदगी छत्तीसगढ़ यानी कि यहीं रायपुर में ही रही है, और वो सीधे तौर पे कांग्रेस नेताओं के संपर्क में भी रहे हैं। उधर से बीजेपी ने भी कई प्रयास किए उनसे बातचीत करने के, जो कोशिश है वो उनकी तरफ से बड़े नेताओं की तरफ से जारी रही, लेकिन अभी तक फिलहाल क्या संपर्क बीजेपी कर पाई है या नहीं इस पर तो कोई रिएक्शन यहाँ पर सामने नहीं आया है। लेकिन कांग्रेस नेताओं के संपर्क में जरूर ही नंद कुमार साय जी हैं, चूँकि अब थोड़े समय बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और उसी की जो तैयारी है जो अभी इस वक्त स्क्रीन पर मैं दिखा पा रही हूँ, जो पुलिस के जो पुलिस व्यवस्था यहाँ पर है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है, और तमाम जो वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी है वो राजीव भवन के अंदर है, और कांग्रेस भी इसे बहुत बड़े रूप में सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि वो काफ़ी दिग्गज नेता रहे हैं, बीजेपी के आदिवासी नेताओं का वो नेतृत्व करते रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी कांग्रेस इसे बहुत बड़े रूप में सेलिब्रेट कर रही है, और तमाम लोगों तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब इंतज़ार है तो नंद कुमार साय का, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे, और उसके बाद जो है ये सदस्यता दिलाने का जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। फिलहाल अंदर काफ़ी भव्य तैयारी है, काफ़ी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और इस तरीके से अब जो है साय जी भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। जी वैभव जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि देखिए किस तरह से यहाँ पर नंद कुमार साय ने जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने कहा था कि पार्टी के नेताओं ने मेरी छवि धूमिल की है, जिसके चलते वो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन अभी असल वजह निकल कर सामने क्या आई है इस्तीफे की? देखिए असल वजह तो निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन संभव है कि कांग्रेस पार्टी में नंद कुमार साय के आ जाने के बाद नंद कुमार साय को वो सम्मान मिले जो शायद बीजेपी के भीतर नहीं मिल पा रहा था, तो उसी की वजह से नंद कुमार साय ने पार्टी छोड़ी होगी। जो बातें उन्होंने इस्तीफे वाले पत्र में लिखी है उन बातों को आंतरिक तौर पर और ज़्यादा गहराई से समझने की ज़रूरत है, चूँकि नंद कुमार साय की जो पृष्ठभूमि रही है वो सरगुजा अंचल में एक दिग्गज आदिवासी नेता के तौर पर रही है, और जैसा मैं बता रहा था कि 2003 में जब एक बड़ा आंदोलन हुआ था तो उस बड़े आंदोलन का नेतृत्व नंद कुमार साय ने किया था, नेता प्रतिपक्ष थे, उस आंदोलन के दौरान उनका पैर भी जो है टूट गया था, चोटिल हुए थे, घायल हुए थे, लेकिन जब सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, जब सरकार बनी बीजेपी की, तो उस सरकार बनने के बाद नंद कुमार साय को 15 सालों में जब रमन सरकार रही तो उतना महत्व नहीं मिला। फिर एक समय ऐसा भी आया जब कोर ग्रुप से उनको बाहर कर दिया गया, फिर एक समय ऐसा आया जब नंद कुमार साय को दिल्ली में जो उनको सरकारी बंगला मिला था उससे बाहर कर दिया गया, तो
तो ये घटनाक्रम चलते रहा, तो जिससे नंदकुमार सहाय आहत होते रहे। अभी जब आरक्षण का ये मसला चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, उसमें भी जो उनकी बात थी वो नहीं सुनी जा रही थी। संगठन पर जिस तरीके से उस पर प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी वो भी नहीं आ रही थी, उसे लेकर के भी उन्होंने जो है धरना आंदोलन अपने निवास के बाहर रखा था, लेकिन उसमें भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी नहीं दिखी। तो ये तमाम चीज़ें रही जिससे कि नंदकुमार सहाय आहत होते रहे। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भी नंदकुमार सहाय को ये भरोसा और विश्वास था कि शायद सरगुजा से या रायगढ़ से उनको टिकट दी जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। और नंदकुमार सहाय जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, जितने दिग्गज नेता माने जाते हैं, तो उसमें एक उम्मीद बनी रही कि वो शायद केंद्रीय मंत्रिमंडल तक भी पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर पार्टी के भीतर एक लॉबी चलती रही बीजेपी के भीतर, उस लॉबी में नंदकुमार सहाय फिट नहीं बैठते रहे हैं। तो ये तमाम बातें रही जिसके चलते नंदकुमार सहाय ने मजबूर होकर शायद ठीक चुनाव से पहले इस्तीफा दिया है। अब वो कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं तो किन शर्तों के आधार पर आ रहे हैं? क्या कोई बातचीत जब हुई होगी तो व्यवस्थित देखिए, अब से कुछ देर बाद नंदकुमार सहाय जो है वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि नंदकुमार सहाय प्रियंका गांधी या राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं दिल्ली पहुंचकर? स्वाभाविक है, वो तो जो है आगे की एक प्रक्रिया होगी जिसमें निश्चित तौर पर राष्ट्रीय नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी। तो ये सिलसिला तो चलते रहेगा। मैं जिस सवाल को उठा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल इस बात को लेकर के है कि नंदकुमार सहाय कांग्रेस पार्टी आ रहे हैं तो किन शर्तों के आधार पर आ रहे हैं? देखिए, बहुत बड़े नेता है तो जाहिर तौर पर उनको वही सम्मान कांग्रेस पार्टी में देना होगा। अगर वो सम्मान नहीं मिलता तो वो नंदकुमार सहाय चुनाव के तक जो है इस पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या नंदकुमार सहाय 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? एक सवाल ये है। क्या नंदकुमार सहाय को 2024 में लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़वाएगी? एक सवाल ये भी है। क्या कोई बड़ी भूमिका के साथ जो है 2023 की जिम्मेदारी नंदकुमार सहाय को दी जा रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर में? ये तमाम सवाल कायम है। नंदकुमार सहाय जब तक मीडिया के सामने नहीं आ जाते, उनकी कोई प्रतिक्रिया जो है नहीं आ जाती, तो बहुत सारी चीज़ें अभी सिर्फ सवालों के घेरे में हैं। अभी जब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बातचीत कर रहे थे, वो उन सवालों का जवाब दे रहे थे, तो वो सिर्फ स्वागत कर रहे हैं जी। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बीजेपी में नंदकुमार सहाय की उपेक्षा हो रही थी, लेकिन कोई भी नेता अभी ये नहीं बता पा रहे हैं कि नंदकुमार सहाय की भूमिका कांग्रेस पार्टी में क्या होगी। चूंकि एक विचारधारा का भी मसला है, चूंकि वो आरएसएस के खाटी आरएसएस की पृष्ठभूमि से भी आते हैं, तो कई तरह के सवाल अभी खड़े हुए हैं, ये तो बाद में ही साफ होंगे। इसी बीच मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नेहा, देखिए, अब से कुछ देर बाद नंदकुमार सहाय जो है वो कांग्रेस में शिरकत कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस को कितना बड़ा फायदा होने वाला है 2023 के विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, देखिए, आज तो जिस तरीके से उन्हें सदस्यता जो है वो दिलाई जाएगी और कांग्रेस को क्या फ़ायदा होता है, सीधा सीधा जो है अब इसी पर निगाहें हैं, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव को भी महज कुछ ही महीने का वक्त रह गया है। चूंकि यहाँ पर कांग्रेस को जो नेता है, मैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास जो है वो करूंगी और जानने का ये प्रयास भी करूंगी। चूंकि कांग्रेस संचार प्रमुख है यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त, सर सहाय जी आज प्रवेश करने वाले हैं, काफ़ी दिनों से इस बात की हलचले थी, इस बात ये भी बात सामने आई है। देखिए, नंदकुमार सहाय जी कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो उनका अभिनंदन है, स्वागत है। सहाय जी सिर्फ छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता नहीं हैं, वो नेशनल ट्राइबल कमीशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत बड़े आदिवासी नेता हैं, और ये इस बात का प्रमाण है कि जब CBI, ED तमाम चीज़ों के दबाव में सारे लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, उस समय यदि नंदकुमार सहाय जैसे देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, अर्थात मोदी की फेस वैल्यू गिर रही है, ऐसा आदिवासी नेता जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में जिसने अपना खून पसीना लगाया है, यदि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने को मजबूर हुआ है, अर्थात मोदी की फेस वैल्यू अब देश के लोगों के सामने गिर रही है। क्या लगता है, अब चुनाव भी बहुत करीब है, ऐसे में कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिलेगा, चूंकि बड़े संख्या में आदिवासी नेताओं का भी नेतृत्व करते रहे हैं सहाय? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो मुहिम चलाया था आदिवासी समाज को उनकी जमीन वापस करके, आदिवासी लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों को बहाल करके, नंदकुमार सहाय जी के आने से उसमें और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। जिस प्रकार से सर्व समाज के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में रोका गया, उसके बाद से ही नंदकुमार सहाय जी विचलित थे,
और उनको लग रहा था कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में वंचित लोगों के हितों के लिए काम किया जा रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी बाधक बन रही है। संभवतः इसीलिए वे कांग्रेस प्रवेश के लिए उन्होंने आवेदन दिया है और यदि उनका कांग्रेस प्रवेश होता है तो छत्तीसगढ़ की राजनीति ने देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी। क्या कल से ही तैयारी शुरू हो गई थी राजीव भवन में? नहीं, ये तो हमारी रूटीन बैठक है, ये हमारे पदाधिकारियों की रूटीन बैठक है और यदि नंद कुमार साय जी का प्रवेश होता है तो एक सुखद संयोग होगा। अच्छा, तो अभी भी संशय बरकरार है लेकिन तैयारियां लगभग पूरी है। जी, तैयारियां पूरी है। मरकाम ने बड़ा बयान भी दिया कि फॉर्म तैयार है, उनका कांग्रेस में स्वागत है और अब से कुछ देर बाद नंद कुमार साय कांग्रेस में शिरकत करेंगे। लेकिन नंद कुमार साय जो है इस्तीफे के पीछे लंबी चलने वाली सियासत छोड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी और नेहा हमें तमाम अपडेट देने के लिए। तो चलिए फिलहाल